धन भाग है हमारे अयोध्या में बोलबाला, मोदी की मेहरबानी ओ मोदी की मेहरबानी, वाल्मीकि एयरपोर्ट बना डाला। अयोध्या में वाल्मीकि समाज का जो मोदी जी ने दिल से हमें याद किया है, पर उन्हें हमारा दुख नहीं मालूम है। 6000 में कैसे गुजारा होता है? 6000 में ब्याज से लेते हम फिर उठा के। बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल? ये स्कूल अभी बच्चे की फीस नहीं भरी थी तो पढ़ाई छूट गई उसकी। स्कूल में आपने ये बात बताई कि अभी हम फीस नहीं भर सकते थोड़े समय के लिए? हमें हाँ बताया था, पापा की डेट हो गई थी तो बताया था, पर मान नहीं रहे वो। कांग्रेस के राज में मेरे को ये बताओ कौन परेशान था? कोई नहीं था। आज इस स्थिति में आ गए, हरिजन समाज को वाल्मीकि समाज को छांट दिया। रात में बुलाते हैं रात में भी जाते हैं, दिन में बुलाते हैं दिन में भी जाते हैं। हमारे एक एक बच्चे का नाम इनको याद है, और इनको ये याद नहीं है कि इसके घर में एक नौकरी है तो ये इतने सारों को अकेली औरत कैसे पालेगी। हम दुख उठा रहे सुख उठा रहे, ठीक है, हिंदुस्तान अच्छा रहे हमारा बस। ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ललन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इंदौर की बहुत सारी चमकदार चीज़ें हम आपको हमेशा दिखाते हैं, बहुत सारे चैनल्स दिखाते हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेज यूट्यूब चैनल्स भी दिखाते हैं। छप्पन का बाज़ार हो, सराफा बाज़ार हो, या चमचमाती हुई सड़कें हों, इंदौर को लेकर कहा जाता है कि पिछले 7 साल से ये शहर सफाई के मामले में नंबर 1 है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको भी इंदौर शहर पूरा कर रहा है। लगातार हर साल साफ होता है, हर साल हर दिन इसकी सड़कें चमकती हैं। विदेशी पर्यटक जो आते हैं वो भी कहते हैं कि इंदौर जैसी सफाई हमने नहीं देखी, इंदौर जैसा शहर हमने नहीं देखा। लेकिन इंदौर की असली, इंदौर को साफ रखने वाले जो लोग हैं वो किस स्थिति में हैं, वो किस हाल में हैं, उसे दिखाने की कोशिश ललन टॉप कर रहा है। हम लोग इंदौर आए तो हमने कोशिश की कि हम उन इलाकों में पहुँचें, उन जगहों पे जाएं जहाँ पे इंदौर को साफ़ करने वाले लोग रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के मुराई मोहल्ले में, छावनी का ये इलाका है, और यहाँ पे बहुत सारे वो लोग रहते हैं जो नगर निगम में काम करते हैं, बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोग भी रहते हैं। तो उन सब लोगों से हम समझेंगे कि वो किस स्थिति में रह रहे हैं। और वीडियो की शुरुआत में भी आपको इलाके की गली की तस्वीर नज़र आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हमारे साथ सरला भाई हैं सबसे पहले, जिनकी एक रील भी कुछ दिन पहले वायरल हुई थी कि वो कितनी मेहनत से और शिद्दत के साथ हंसी खुशी वो वीडियो बना रही हैं और सफाई कर रही हैं। हम सब लोगों को जो दिल्ली NCR में बैठे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कोई आदमी इतनी अच्छी रील बना रहा है और इतना हंसी खुशी सफाई कर रहा है तो वो कितना खुश होगा, कितना संतुष्ट होगा सुविधाओं से। इनसे ही जानेंगे कि ये कितना संतुष्ट है। और नमस्ते। नमस्ते, मैं सरला भाई पति के लाज जी चाऊरे, मुराई मोहल्ला छावनी, माँ अहिल्या की नगरी में। हम वाल्मीकि समाज के हर व्यक्ति इतना सफाई करता है, इतनी मेहनत करता है, रात में बुलाते हैं रात में भी जाते हैं, दिन में बुलाते हैं दिन में भी जाते हैं। सुबह 5 बजे के उठते हैं तो 2 बजे तक हम कमर सीधी नहीं करते, रात और दिन मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे रही। इंदौर शहर की वाल्मीकि समाज की महिलाएं क्या, पुरुष क्या, बच्चे क्या, हमारे हर घर में एक एक नौकरी। अरे तो हमारे बच्चे दो बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, हमारे घर में नौकरियां देने का क्या इनों का हक नहीं है क्या सरकार को कि आपके घर में एक नौकरी है, अब नौकरी नहीं दी जाएगी? ये कौन सी प्रथा है कि एक नौकरी है तो एक नौकरी में पोता पोती भी पाल ले, बेटी भी पाल ले, बेटों को भी पाल ले, घर मकान भी बना लें, कैसे पढ़ा लें, कैसे बच्चों का। हमारे संग बहुत बहिष्कार हो रहा है। हम वाल्मीकि समाज को कोई सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है। अभी हम इंदौर शहर में कम से कम 5 लाख वाल्मीकि समाज के लोग हैं। कुछ लोग अब इतने कंटालने लग गए हैं कि इस सरकार का क्या करें, जो हमारे वो नगर निगम में हर किसी को ये दोगे तो आपका काम चलता रहेगा, हम कहाँ से लाएं? हम मेहनत करते हैं, हमारे घर की पूर्ति नहीं होती है, हम कैसे दें इनको?
कहाँ से लाएं, हमारे बेटों को, हमारे पति शांत हो गए तो हमारे बेटों को नौकरी दी जाए, हमारे घर में हमारी पत्नी अगर उनकी शांत हो गई है तो पत्नी की जगह बेटी को, बहू को नौकरी दी जाए। बाकी नहीं है नौकरी, दूसरों को बाहर से बुला के उनसे 5 लाख ले लेंगे और हमारी नौकरी उनको दे देंगे, और उनको मल्टियों में मकान दिला के, बाहर के लोगों को बुला के उनको मल्टियों में मकान दे के और उनको नौकरी दे देंगे, और हम इंदौर के शहर के लोगों को और निकाले जा रहे हैं। 30-30 साल हो गए, 30-30 साल सिर्फ कांग्रेस के समय में परमानेंट हुए थे, उसके बाद आज तक कोई परमानेंट नहीं हुआ। 6,000 रुपट्टी में कौन इंसान अपना घर चलाएगा ये बताइए, कौन इंसान घर चलाएगा अपना इस इंदौर शहर में। सरकार को हम पे ध्यान देना चाहिए, हमारा बहुत बहिष्कार हो रहा है, हमारे संघ में बहुत जाति हो रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो पिछली सरकार रही है उस वक्त किसी को परमानेंट नहीं किया गया? नहीं किया। और 6,000 रुपये जो टेम्परेरी जो है उनको 6,000 रुपये पगार मिलती है। 6,000 रुपट्टी में आप बताओ तुम सुबह से शाम तक कैसे बच्चे कर रहे हैं, गरीबी है ना परिस्थिति, गरीबी परिस्थिति है, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम माँ अहिल्या की नगरी के वाल्मीकि समाज के, हम अहिल्या माँ नगरी के बच्चे हैं, तो हम माँ अहिल्या नगरी को हम रात और दिन साफ करते हैं और करते रहेंगे। पहले नंबर 1 आया, 7 स्टार आया है ना, और उसके बाद ग्रीन इंदौर भी बन गया और महानगर भी हो गया। महानगर में कितना परमानेंट करता है इंसान, लोगों को परमानेंट करते हैं ना महानगर में। देखिए ये एक चीज़ मैंने इनको इसीलिए नहीं टोका क्योंकि जो ये अपनी बातें रख रही थी उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांग पूरी हो चाहे ना हो लेकिन हम इंदौर को अपना समझते हैं और हम लगातार इंदौर की सफाई करेंगे। तो ऐसी चीज़ों पे खैर और लोगों से भी मैं बात करूंगा, उनसे भी समझूंगा। आपका क्या नाम है सर? आप वीडियो शुरू होने से पहले मुझे कुछ समस्या बता रहे थे। मेरा नाम राजेंद्र विश्नार है। राजेंद्र जी, मैं नगर निगम में 95 में रिटायर परमानेंट हुआ था जी। जब से परमानेंट का आदेश अभी तक के किसी को करा नहीं है ना आदेश, आज से 20-25-30 साल हो गए। आप ये बता 15-10-10-12 साल के अंदर लोग परमानेंट हो जाते थे पहले, है ना। कांग्रेस के राज में यही होता था, कांग्रेस के राज में मेरे को ये बताओ कौन परेशान था, कोई नहीं था। आज इस स्थिति में आ गए, हरिजन समाज को, वाल्मीकि समाज को छांट दिया। क्यों छांट दिया, क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, क्या गुनाह कर रहे हैं हम लोगों के संग अत्याचार हो रही है। हमने यहाँ से कई लोग आए थे, आपके भाई लोग बहुत सारे जने, हमने उनको ये प्रस्ताव भी भेजा पर ये प्रस्ताव वहाँ उनके पास तक के जाता नहीं है, और जाता भी हो तो मांग हमारी पूरी होती नहीं है। आज चलो मैं तो रिटायर हूँ, आज माँ बहनें जिन्हों के हाथों में हल्दी मेहंदी है लगी है ये वो नौकरी कर रही है, आज उनका तो तरफ देखो, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके तरफ तो ध्यान दो। परमानेंट के आदेश अभी तक के हिटे नहीं। आप समाज में कहीं पर भी जाके पूछ लो, कोई खुश नहीं है, वाल्मीकि समाज का कोई खुश नहीं है। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है ना, तो हमें किसी से वो कम से कम हमारे तरफ ध्यान तो दिया जाए। आपने देखा भी होगा ऐसी तस्वीरें भी आई थी बीच में, शिवराज सिंह चौहान जो है दलित समाज के लोगों के पैर धो रहे थे और उनको कह रहे थे कि हमने उनके लिए काफ़ी कुछ किया है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, क्या किया मेरे को ये बताओ जी, क्या किया मेरे को बताओ ना, क्या किया है? आज उनको मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया है, उनको मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया। जो व्यक्ति को यहाँ नहीं आना था, आज नेतागिरी में एक से एक दिग्गज फड़े में, क्यों उज्जैन से ला के इनको क्यों खड़ा कर दिया जी? उनको कभी देखा आपने, उनको कैसे खड़ा किया? एक से एक पुराने लोग पड़े हुए। शिवराज सिंह ने अभी ये योजना निकाली थी, ये बहुत अच्छी लगा निकाली लाडली योजना, उसके बाद उन्होंने कुछ आगे और काम करने की सोचा था तो उनको मक्खी जैसा निकाल के बाहर फेंक दिया। काय को फेंक दिया, अच्छे नहीं थे क्या वो? उनमें बहुत अच्छाई आ गई थी, उन्होंने समझ लिया था। आज उनका मकान झोपड़ी है, देखी ना आपने, झोपड़ी है उनका मकान, ये वो मकान ऐसे मकान झोपड़ी में रहते थे, उनके महल नहीं है। आज ऐसा कौन नेता जिसके यहाँ महल नहीं है? लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जैसे अब जो समय है,
आज के समय में इंदौर में कोई दूसरा प्रत्याशी रहा ही नहीं बड़ी पार्टी का, कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो बीजेपी में शामिल हो गया, ऐसे में आप लोगों के पास क्या विकल्प बच जाता है फिर चुनाव में? मेरी बात सुनो, करता क्या नहीं कर मरता क्या नहीं करता मरता क्या नहीं करता जिसका खाया ना उनके गुण गाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिग्गज लोग इनके नाम चल गए थे, आज इस चीज से हटते नहीं ना, तो इनके लिए बहुत अच्छा होता। आज क्या है इनके पास, मैं को ये बताऊँ, कोई इज्जत है? पैसा आता है, इज्जत है नहीं है इज्जत। मोदी जी कह रहे हैं कि वो तो सबके लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश के लिए, सबका साथ सबका विकास, चाहे कोई भी किसी भी समाज का हो, तो ये चीजें उनके पास पहुंच नहीं रही ना, ये चीज उनके पास पहुंच नहीं रही वाल्मीकि समाज के लिए। आपको ऐसा लगता है कि जो यहाँ समस्याएं हैं वाल्मीकि समाज की, मोदी जी तक नहीं पहुँच रही? नहीं पहुँच रही है उन तक के, ये बात नहीं पहुँच रही है, वहीं से बात इसको दबा दिया जाता है। इनके पास कई समाज के में इनके साइन होके भी इनके पास बड़ा खर्रा गया लाखों लोगों का, वो खर्रा इनके पास गया नहीं। इसमें किसकी कमी है, क्यों नहीं पहुँच रही? अब राम जाने, यहाँ कई पत्रकार लोग आए थे, एक से एक आए थे, उन्होंने भी बोला भैया हम अभी करते हो, इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी को हम गलत नहीं बोल रहे जी, मोदी जी को हम गलत नहीं बोल रहे, बाकी गलत है जो मोदी जी के आगे जो चल रहे हैं वो गलत है, इनको प्रस्ताव भेजना चाहिए उनके पास। मोहन यादव नहीं पहुंचा रहे वहां तक, पहुंचा ही नहीं रहा। आप बता दो मोहन यादव जी ने वाल्मीकि समाज का कुछ बोला हो तो बता दो मेरे को, इतने समाचार में मैं रोज देखता हूँ मोबाइल, बताओ हमारे वाल्मीकि समाज के लिए उन्होंने कभी ऐसा कुछ वर्ड बोला हो? हम उनके संग में वोट लेने आते हैं, बीजेपी के नेता यहाँ पे आते हैं ना, वोट मांगने आते हैं, आते हैं ना, तो फिर आप लोग तब रखते हैं अपनी परेशानी उनके सामने, ऐसा बार बार से चले जाते हैं? नहीं, बहुत कुछ रख दिया है, बाकी कुछ ही नहीं होता है, मैं बता तो नहीं हूँ। शंकर लालवानी जो सांसद है यहाँ के, कुछ से वही चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो एक काम करो, पूरी समाज में जाके आप तो पूरा यही चीज पूछो, समाज क्या कहती है, मैं आपके संग में हूँ। आपका क्या नाम है? सर वो तो वही बात करेंगे। नहीं, आप भी हैं क्या निगम में काम करते हैं आप भी? नहीं सर, है ना नगर निगम में ही, हम भी हैं जी, विनिमित में है, लेकिन क्या है कि हम लोगों से भी काम इतने ही लेते हैं जितना परमानेंट से लेते हैं जी, लेकिन क्या है कि देखो हम भी हमारे बच्चों को छोड़ के जाते तो हमें क्या लाभ मिल रहा है इस चीज में? कितने पैसे मिलते हैं आपको? हमारे को मिलता है 6,000। 6,000 रुपये मिलता है, समय से मिलता है? समय पे मिलता, कभी 15 भी हो जाती है, कभी 10 तारीख भी हो जाती है। तो भैया हम इस चीज में अगर फायदा लेंगे तो हमारे बच्चों को तो भूखा मार देंगे हम, हमारे को कमाने से मतलब क्या है? 6,000 में कैसे गुजारा होता है? 6,000 में ब्याज से लेते हैं हम, फिर उठा के ब्याज से लेते हो, मतलब पैसे ब्याज पे लेते हो? हाँ, घर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, फिर पेमेंट मिलती है ब्याज वालों को भर देते हैं, फिर पूरा महीना कैसे खेचे हम? मतलब जो साहूकार होते हैं जो सूद पे देते हैं, आप उनसे लेते हो ब्याज, फिर उससे लेके खिलाते हैं हमारे बच्चों को, पालते हैं हम। हमारे सुबह 5 बजे से निकलते हैं, जिसके 2-2.5 बजे घर में घुसते हैं, तो हमारे बच्चों को तो खिलाने को हो ना घर में, हम वहाँ लगे रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे घर में? स्कूल जाते हैं बच्चे आपके? अब कमाई हो तो स्कूल पहुँचाएं, कमाई नहीं होगी तो बच्चे स्कूल कहाँ से जाएंगे? ये खड़े हमारे पोता पाती सब। राशन जो कहती है सरकार वो मिलता है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा हम लोगों को, कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ कोई राशन नहीं मिलता। राशन वालों के पास जाओ तो राशन वाले कहते हैं कि नहीं सबके आधार कार्ड लगाओ, सबके आधार कार्ड लगाओ। अरे तो बच्चों के आधार कार्ड लगा भी दिए तो भी तो राशन दो हमें। एक आदमी का 5 किलो राशन कहती है सरकार? हमारे को तो 2-3 साल हो गए राशन ही नहीं मिलता हम लोगों को। 10 किलो आटा रोज का लेकर आ रही हूँ, मैं 10 किलो आटा रोज का लेकर आ रही हूँ, रोज का 10 किलो आटा आता है मेरे घर में। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हैं? परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 6 लोग हैं। 6 लोग हैं तो 30 किलो राशन आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। आप भी निगम में ही? हाँ, निगम में हूँ मैं भी। आप परमानेंट हैं कि अस्थाई? परमानेंट हूँ मैं तो। परमानेंट है। मैं 10 किलो आटा पिसवा के लाता हूँ मैं तो। आपको भी नहीं मिलता है राशन? नहीं मिलता है। और लोगों से बात करूँगा मैं। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सुजीत कुमार पंचपाल। अच्छा सुजीत जी, तो आप निगम से रिटायर हैं? नहीं, अभी 2 साल की नौकरी है। अभी 2 साल की है आपकी नौकरी? तो क्या परेशानियाँ हैं जो आप लोग फेस कर रहे हैं? देखो सरकार ने नौकरी दी है तो नौकरी तो कर रहे हैं जी, जब तक सांस में है दम जी,
नौकरी तो बहुत जरूरी है आज के ज़माने में जी। नौकरी नहीं रहेगी तो खाएंगे क्या जी? जैसे तैसे भी नौकरी कर रहे हैं। आप जिस कॉलोनी में खड़े हो आपको बड़ी बड़ी दो दो मंजिल मकान दिख रहे हैं जी। तो ये कॉलोनी है ना, बहुत पहले नगर निगम ने बनाए रखी दी थी जी। जब से अभी तक वालिम समाज के लिए कॉलोनी के बारे में ना तो नगर निगम सोचती है ना तो कोई सोचता है। कब बने थे ये मकान? बहुत काफ़ी टाइम हो गया, बहुत काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 50-60 साल से भी ज़्यादा। 50-60 साल, 58 साल की उम्र तो मेरी है। उससे पहले से? उससे पहले से बनी हुई। अच्छा, जब से अभी तक कोई ऐसी समस्या सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब ये जितने भी मकान दिख रहे हैं ना, एक एक मकान में कम से कम 25-25 जने रहते हैं। जाए तो जाएगा, आज कई जमीन लो तो 40 लाख की मिल रही है, 30 लाख की मिल रही है। आदमी अगर ज़मीन ले लेगा तो मकान बनाने में 5 साल चाहिए उसको। बट मेरी ये समस्या है जी। सांसद जो है पिछले यहाँ के, उन्होंने कुछ किया काम आप लोगों के लिए? भाई ये तो आज तक यहाँ आए नहीं गली में। अच्छा, शंकर लालवानी। हाँ है, अच्छे आदमी इंदौर के लिए, मगर यहाँ कॉलोनी में नहीं आते। एक बार चुनाव होते जब आते, इसके बाद इंदौर शहर को संभालते हैं। कोई वोट मांगने आया आप लोगों के पास? अभी तक तो ये चुनाव इंदौर शहर का ऐसा हो गया है कि वोट डालो मत डालो अपनी मर्जी। आप लोग इतनी परेशानी है, फिर क्या करेंगे चुनाव में? कैसे वोट देंगे, क्या सोच कर देंगे? ये मोदी जी को देख के देंगे? नहीं, लेकिन आप इतनी परेशानियां भी बता रहे हैं ना। परेशानी तो झेलेंगे भाई, आपको हमने मुख्यमंत्री बना दिया जी। आप अपना फायदा देखो, हमारा हक सिर्फ वोट डालने का है, हम तो डालेंगे। चाहे आप हमारा भला करो या बुरा करो, हमें कोई मतलब नहीं। मोदी जी को वोट दोगे? मोदी जी को वोट देंगे। क्या चीज़ है मतलब जो आपको अच्छी लग रही है? अच्छी ये लग रही है कि अभी मोदी जी जो है, जैसे आंधी तूफान आता है तो समुंदर में से पानी छलता ना, तो सब ये पानी देखने चले जाते हैं। मोदी जी एक हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी ताकत है। इन्हें देश के लिए इतना सब कुछ कर दिया है, दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर पाएगा। इतनी परेशानी आप लोगों को है फिर भी आप इस तरीके सोच रहे हैं? नहीं देखो, या देश के लिए सोचते हो आप ये कह रहे हैं? हमें हम दुख उठा रहे, सुख उठा रहे, ठीक है, हिंदुस्तान अच्छा रहे हमारा, बस यही हमारा नारा है, हिंदुस्तान अच्छा रहे। हम इंदौर के लोग अच्छे नहीं रह पा रहे, मगर हमारा पूरा हिंदुस्तान तो अच्छा। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे नेता है, इन जैसे नेता हिंदुस्तान में शायद ही कोई पैदा होगा, ये हम बोल रहे हैं आपसे। ये वोटर हैं यहाँ के इलाके के, और भी लोगों से मैं अगर कहूँ जिनसे बात की जा सके अगर यहाँ पे हैं, तो मैं कहूँगा गोविंद से कि मेरे साथ आइए, आप और लोगों से बात करेंगे इस कॉलोनी में, मोहल्ले में। दीदी आप निगम में हैं? नमस्ते, हम लोग लल्लन टॉप से हैं, दिल्ली से आए हैं। तो जो यहाँ पे निगम के लोग काम करते हैं उन लोगों से बात करने के लिए आए हैं। तो आप परमानेंट हैं? नहीं, कच्चे में सर। अच्छा, कच्चे में। कितना पगार मिल रही है आपको? 7,000। 7,000 मिल रही है। तो कब से कर रही हैं आप सेवा, कब से दे रही है? 12 साल हो गए। 12 साल से आप अस्थाई हैं। क्या समस्याएं हैं आपकी? मेरे कोई भी समस्या नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, और क्या है जी। हाँ, तनख्वाह बहुत कम है जी। तनख्वाह बहुत कम है आपकी, ये समस्या है। और बाकी चीज़ें मिल रही हैं आपको? राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिलता है ना सर जी। कितना मिलता है, कितने लोग हैं परिवार में? 3 ही हैं हम तो। 3 जने हैं जी सर। कौन कौन है? लड़की है मेरी और मैं हूँ। अच्छा, हस्बैंड शांत हो गए। अच्छा। और इलाज वगैरह के लिए अस्पताल में जाते हैं तो मिलता है इलाज आप लोगों को? जी सर। प्राइवेट में दिखाते हैं सरकारी में? प्राइवेट दिखाते हैं। सरकारी अस्पताल नहीं है कोई अच्छा है आसपास? है ना सरकारी अस्पताल, पर वो हम जाते ही नहीं, प्राइवेट में ही जाते हैं हम। अच्छा, क्यों सरकारी में क्यों नहीं जाते? अब लाइन में लगना पड़ता है, फिर उसमें कौन लगा रहे, समय नहीं है इतना, ड्यूटी पे जाते हैं हम। भीड़ रहती है? भीड़ रहती। और ड्यूटी की वजह से उतना टाइम नहीं मिलता? टाइम नहीं मिल पाता। 6,000 की पगार में या 7,000 की पगार में कैसे गुजारा होता है? अब सर करना पड़ता है, कुछ भी कर्जा पानी करके करना पड़ता है। बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल? ये स्कूल अभी बच्ची की फीस नहीं भरी थी तो पढ़ाई छूट गई उसकी। फीस नहीं भरी थी इसलिए पढ़ाई छूट गई। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं क्या? हाँ, प्राइवेट में पढ़ती थी ये जी। इसके पापा से हाथ धोने के बाद
बच्ची स्कूल ही नहीं जा रही है। क्यों, मतलब फीस नहीं भर पा रहे आप? फीस ही नहीं भर पा रहा है, कहाँ से भरेंगे? कितनी फीस है? 10,000। 10,000 रुपये जी सर। कितने दिन की? साल भर, साल साल की। साल की या महीने की? 1500 मिल। अच्छा, महीने की 1500 है, साल की लगभग 15-16,000 के आसपास बनती है उस हिसाब से। तो फीस नहीं भर पाए इसलिए स्कूल छूट गया। कौन सी क्लास में थे गुड़िया आप? इधर आओ। हाँ, कौन सी क्लास में थे आप? नाइन्थ में। तो नाइन्थ में स्कूल छूट गया फीस की वजह से। क्या नाम है आपका? तन्वी पंचवाल। तन्वी, तो कौन से कब छूटा आपका स्कूल? मेरा छूट गया था, अभी साल भर हो गया है। स्कूल में आपने ये बात बताई कि अभी हम फीस नहीं भर सकते थोड़े समय के लिए? हमें बताया था, पापा की डेट हो गई थी तो बताया था, पर मान नहीं रहे वो। एप्लीकेशन भी लगाई थी फिर भी नहीं माना। कौन सा स्कूल था? ब्राइड हाई सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, तो उन्होंने, आपने एप्लीकेशन लगाई कि भाई फीस माफ कर दो? लगाई थी। EWS कोटा जो होता है, जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत जो कुछ बच्चों को एडमिशन मिलता है, उसमें भी आपका नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आपकी पढ़ाई छूट गई, फिर आप घर पे रहते हो? तो कुछ सोचा नहीं कि आगे पढ़ना है, क्या करना है? अभी देखा है प्राइवेट फॉर्म भरने का कर रहा है, तो अभी भराएंगे। छोटी गुड़िया बस ये एक ही बस मैं एक ही। अच्छा, आप एक ही हो। अच्छा, ये समस्याएं हैं यहाँ पे लोगों से। देखिए, 7,000 में आप किस तरीके से गुजारा करते हैं, किस तरीके से आप भी निगम में? अपने ये 11 नंबर जोन पे ड्यूटी इस स्टेडियम। कब से हो आप, सर्विस कब से दे रहे हो? 2013 से लगा, 14 से लगे हो, मतलब 10 साल हो गए आपको। आपका क्या काम रहता है, झाड़ू का भारी का रहता है या गाड़ी? मेरा ड्रेनेज का काम था। ड्रेनेज, उसमें क्या करना होता है? ड्रेनेज में लाइन में उतरना रहता है। लाइन में उतरना, जो सीवर ड्रेन होते हैं उसके अंदर उतरना? वो कुछ भी नहीं, मैं तो अपने उसे उतरता था ड्रेनेज में। मतलब लाइंग में है ना, लाइंग में से मटेरियल निकालना चैम्बर में से। मनीष सिंह साहब जब कमिश्नर थे ना, जब भी काम कर रहा था, असिस्टेंट साहब आए थे ना, जब भी काम किया। जो नाला होता है ड्रेनेज वाला बड़ा, उसमें उतर के। हाँ, तो उसके लिए आप लोगों कुछ वो नहीं दिए, औजार या इक्विपमेंट्स जो आप कहते हैं कि अब लोग नहीं उतरते नीचे? नहीं, मैं तो ऐसे उतर जाता था। नहीं, वो कहते हैं ना कि अब किसी को उतरने नहीं देते हम, तो क्या पहले 2014 में काम ऐसे ही किया मैंने, 2014-15 में। अच्छा, 14-15 में क्या, अभी तो नहीं करते ऐसा? हाँ, अभी एक्सीडेंट हुआ ना 2019 में मेरा। अच्छा, तो मतलब ये सड़क में मार है। अच्छा, मनीष सिंह साहब कमिश्नर थे ना, जब भी गया अच्छे सिंह साहब से, जब भी काम किया है प्रतापाल में महीना, उसके पहले एक्सीडेंट हो गया मेरा 2019 में। मेरे को कोई वो मिले ना कुछ मिला, मैं तीन बच्चे हैं, दो लड़की एक लड़का। तो एक्सीडेंट आपका कैसे हुआ था, सर्विस के दौरान ही हुआ? पल्सर 150। अच्छा, तो मम्मी को वर्षा नाइट ड्यूटी करता था मैं जोन पे, तो मम्मी को लेके मैं वहाँ निगम जा रहा था, तो पटेल ब्रिज चढ़ गया, मेरे को खुद को होश ही नहीं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ कैसा नहीं। रात में? दिन में हुआ, 12-12:30 समथिंग। अच्छा, हाँ, 19 फरवरी को हो गया। तो कैसे, घर में बच्चे क्या करते हैं, कितने साल के बच्चे आपके? ये बच्ची है, ये गुड़िया है, 8 साल की। कितने साल की है ये? 8 साल की। 8 साल के, ऐसे खड़े हो बेटा। और दूसरा बच्चा ये है, गुड़िया ये है, ये भी आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा लड़का। इसका क्या नाम है? अभय नाम है। ये कितने साल का? ये दो ही सेम है, ये 5 साल, मतलब बड़ी है, 5 महीने। ये भी 8 साल के, ये भी 8 साल का। हाँ। तो ये दोनों स्कूल जाते होंगे फिर तो? हाँ, स्कूल जाते हैं। कहाँ पे? ये एक ब्राइड में जाते हैं और जगदाल में जाते हैं। फीस वगैरह कैसे देते हो? फीस हम करते हैं कैसे भी। तनख्वाह कितनी मिलती है? 8,000 रुपये। 8 मिलती है आपको? हाँ। कच्चों में। तो फीस का कैसे करते हो 8,000 में? अब जो हम दूसरी जगह भी काम करते हैं ना। अच्छा, हाँ, तो ओवर टाइम करते हो, वहाँ से जो और पैसा आता है उससे घर चलाते हो? हाँ। मैं क्या, ये मेरी लड़की है छोटी वाली, मैं तीनों के स्कूल की है, अब वो घर में टंकी अंकी सब करना पड़ता हमें। तो एक्सीडेंट जब हुआ तब आपका इलाज कहाँ पे हुआ? मेरा फर्स्ट टाइम मतलब MBI लगाए थे मेरे को, फिर वहाँ से वो हुआ तो फिर मम्मी पापा मेरा बोले यार गोकुलदास लेके जाओ इसको, तो गोकुलदास में लेके गए। गोकुलदास प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट आधा सरकारी।
अच्छा, तो पैसे लगे थे वहाँ पे या नहीं? हाँ पैसे लगे थे। लगे थे पैसे जी हाँ। ये सब परिवार हैं यहाँ पे सर जी। ये बोर्डिंग हो के आ गए, इस चीज की उनको चिंता है। क्या चीज है ये? ये देखो इलेक्शन पर्ची। अच्छा इलेक्शन की इनकी स्लिप आ गई है सबकी, वोट डालने की, वोट डालने की हाँ। है ना, ये चिंता है इनको हमारी, हमारी ये चिंता है कि उनका नाम सरला भाई है, कुलदीप है, ये है वो है, हमारे एक एक बच्चे का नाम इनको याद है। और इनको ये याद नहीं है कि इसके घर में एक नौकरी है तो ये इतने सारों को अकेली औरत कैसे पालेगी। इसका आदमी की डेट हो गई है तो उसके आदमी की नौकरी एक बच्चे को मिले, दो नौकरी होंगी तो कम से कम उसका घर तो चलेगा है। ये चिंता ज़रूर है उनको, सरकार को ये चिंता है और हमारे यहाँ के नेताओं को ये चिंता है। ये देखो ये बाहर से आए पर वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। खैर हाँ। जी भाई उन्हें भेजा ही होगा ना जी, जी, जी। है ना, तो यानी इसकी चिंता है कि ये आ गए हमारे बोर्डिंग के कार्ड। अब वो भले ही अगले महीने डाले, दो महीने बाद डाले, कभी भी डाले, अभी डलेगी 13 तारीख है ना, वही बता रही हूँ। तो ये चिंता उनको, एक एक बात हमारे एक एक बच्चे का नाम है, बाकी नौकरी के लिए हमारे बच्चों का नाम नहीं है, हमारे बच्चों को मकान दिलाने जमीन दिलाने का काम नहीं है। एक ही घर में मतलब 10 जने तो एक ही घर में ठूसे रहे, अरे जब 6,000 रुपट्टी है और एक नौकरी है तो बाहर जमीन कैसे खरीदे, कैसे बनाए मकान। आप ही निगम से? आप निगम में नहीं है तो ये यहाँ की परेशानी थी, समस्याएं थी जो इस कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, निगम से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, निगम के ही सारे ज़्यादातर यहाँ पे कार्यकर्ता हैं जो निगम में काम करते हैं, नौकरी करते हैं। बहुत सारे लोगों की समस्या ये है कि उनकी नौकरी परमानेंट नहीं की जा रही है, और बहुत सारे लोगों की समस्या ये है कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, और हमें बहुत सारी परेशानी। और जो भी लोग सरकार से उम्मीदें रखते हैं और इंदौर को साफ रखते हैं, चाहे भले वो परमानेंट ना हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, ठेके पे हो, वो भी आदमी पूरी मेहनत से इंदौर को साफ रखने की कोशिश करता है, उसके बावजूद ऐसी स्थिति है जो यहाँ पे नज़र आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ब्याज पे पैसा लेकर अपना घर चला रहे हैं, क्योंकि 6-7 हज़ार रुपये में इंदौर जैसे शहर में क्या किसी छोटे गाँव में भी गुजारा करना आज के समय में मुश्किल है। बहुत सारे अलग अलग तरह की कहानियाँ यहाँ पर हमें देखने जानने को मिली। लन टॉप की चुनावी यात्रा है, कोशिश की मैंने कि मैं ऐसे इलाके में आऊं जहां से आपको एक तस्वीर दिखा सकूं इंदौर की, तो यहां से लोगों की समस्याएं समझी हैं। लल्लन टॉप देखते रहिए, कैमरे के पीछे है मेरे साथी गोविंद, मेरा नाम है विपिन गिराड़, शुक्रिया।